Hello student, I Dr. Rakesh Barola welcome all of you in the channel of Krishna Institute of Law. In last topic we discussed about the characteristic of communication. Today in part 3 of communication skill we will discuss the importance of communication. Let us start. First is helps in decision मेकिंग. देखिए यदि हम ये चाहते हैं, यदि कोई भी मैनेजमेंट, मान लीजिए मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, कि कोई भी मैनेजमेंट डिसीजंस लेना चाह रहा है और क्वालिटी ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस लेना चाह रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन. सीधी बात यह है. And yet in one word, we can say the quality of managerial decisions depends on the quality of communication. इसके आगे हम ये कह सकते हैं कि the decisions and plans of the management need to be communicated to the subordinates. यानी कोई भी plan है जिसको आप ध्यान में रखकर कुछ निर्णय लेना चाह रहे हैं, तो आपको अपने सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेशन बनाना होगा. बिकॉज विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट मे नॉट बी पॉसिबल टू इशू एनी इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर्स. इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स इन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट. यदि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, यदि आपके कम्युनिकेशन में ये नहीं होगा कि आप जो है दूसरों की बात भी सुने, तो आप प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन प्लान का नहीं कर सकते. आपको अपने प्लान को अपने सबॉर्डिनेट में शेयर करना होगा, आपको अपने प्लान के बारे में उनको बताना होगा, और फिर जो उनके सजेशंस आते हैं, या वो कुछ हो सकता है आपके प्लान में कुछ कमी हो, या आपके प्लान को और इम्प्रूव करने के लिए वो कोई अपना जो है सुझाव दे, तो आपको उस सुझाव को भी सुनना चाहिए. तभी जाकर जो है हम कह सकते हैं कि जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स जो है वो वहाँ पर हुआ है, और तभी इसको हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे. नंबर नेक्स्ट, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन वही कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स done through others, and this objective of management cannot be achieved unless there is unity of purpose and harmony of effort. yani communication के अंदर यदि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ किया गया है, यदि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की गई है, तब जाकर हम कह सकते हैं कि इट हेल्प्स टू ब्रिंक अबाउट यूनिटी ऑफ एक्शन. क्योंकि हम किसी कॉमन पर्पस के लिए वहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और उस कम्युनिकेशन में विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, सूचनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए. ऐसा नहीं कि केवल आप, बिकॉज़ यू आर द हेड ऑफ द एनी कंपनी, जो भी आप डिसीजन फाइनल कर देंगे वही जो है इम्प्लीमेंट करा दें. नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपके डिसीजन में कुछ जो है इफेक्टिव दिखाई दे, तो आपको जो है जो भी कोऑर्डिनेशन है उसके माध्यम से, कोऑर्डिनेशन सबॉर्डिनेट का भी हो सकता है, जूनियर्स का भी हो सकता है, तो उसके माध्यम से आपको अपने प्लान के बारे में डिस्कशन करना चाहिए. नंबर नेक्स्ट, इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी. देखिए जब कम्युनिकेशन की यहाँ बात हो रही है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या करता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्रीजेज मैनेजरियल एफिशिएंसी. यानी ये कहा जाए तो बिल्कुल ठीक होगा कि नथिंग हैपन्स इन मैनेजमेंट अनटिल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस. कि जो प्रबंधन की व्यवस्था है, बिना कम्युनिकेशन के वो अच्छी नहीं हो सकती. द एफिशिएंसी ऑफ अ मैनेजर डिपेंड्स अपॉन हिज एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. यानी कोई भी मैनेजर है, उसकी जो एबिलिटी है बात करने की, वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं, उनके साथ वो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं. और मैनेजरियल एफिशिएंसी आपकी तभी निखर कर आएगी जब आप कम्युनिकेशन अच्छे से
कर पाए। नंबर नेक्स्ट, प्रमोट्स कोऑपरेशन। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, इट क्रिएट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट, आपसी समझ और विश्वास किसके बीच में, अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ज़रूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। और ये कैसे आएगा, इट प्रमोट्स बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज। ये जो वहाँ जो रोज़गार देने वाला है और जो रोज़गार लेने वाले हैं, उन दोनों के बीच में जो है सही तरीके से कोऑपरेशन होगा, तभी जाकर ये बात बन पाएगी। और ये कोऑपरेशन विदाउट कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। देयर कैन नॉट बी साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अगर कम्युनिकेशन नहीं है आपस में, तो बिल्कुल भी जो है मजबूत जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो बिल्कुल नहीं बन पाएगा। ये केवल तभी हो पाएगा, इट इज़ ओनली थ्रू कम्युनिकेशन दैट वर्कर्स कैन पुट इन देयर ग्रीवेंस प्रॉब्लम्स एंड सजेशन टू द मैनेजमेंट। तभी आपसी कोऑपरेशन कहलाएगा जब वहाँ काम करने वाला व्यक्ति अपनी बात को, अपने दुख को, अपनी समस्याओं को, अपने सुझाव को, अपने विचार को, जब वो मैनेजमेंट तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के माध्यम से आदान प्रदान करेंगे, तभी ये कह पाएंगे हम कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रमोट्स कोऑपरेशन। नंबर नेक्स्ट, हेल्प्स इन इफेक्टिव लीडरशिप। कम्युनिकेशन जो है वो बेसिस ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप होता है। क्यों? क्योंकि देयर कैन नॉट बी एनी लीडरशिप एक्शन विदाउट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द लीडर एंड द लेड। यानी जो भी लीडर है, लीडर से मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट में लीडर हो सकता है, और हम जनरली भी लीडर नेताओं जो किसी को लेकर चले, साथ लेकर चले, उसको हम लीडर कहते हैं। अब हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग मैन टू मैन रिलेशनशिप इन लीडरशिप। यानी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इट ब्रिंग्स द मैनेजर, मैनेजर को हम या लीडर मान रहे हैं, और जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको हम लेड मान रहे हैं। तो इट ब्रिंग्स द मैनेजर एंड द सबॉर्डिनेट इन क्लोज कॉन्टैक्ट, एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में साथ आ पाते हैं वो, और एक दूसरे की मदद करते हैं इस काम में, इन इस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव लीडरशिप, ताकि वहाँ पर एक अच्छा जो है लीडरशिप बन पाए। यानी मैनेजर जो है वो अपने लेड जो है, जो अपने उसके अनुयायी कह लीजिए या उसके नीचे काम करने वाले कह लीजिए, जब उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन करता है, क्लोज कॉन्टैक्ट करता है, तभी जाके हम कह पाएंगे कि वहाँ पर एक इफेक्टिव लीडरशिप इस्टेब्लिश हो रही है। जनरल उसमें भी हम देख सकते हैं कि मान लीजिए एक नेता है, यदि एक नेता के पास कम्युनिकेशन पावर अच्छी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन पावर है, बहुत अच्छे बोलता है, बहुत अच्छे तरीके से जो है स्पीच को कन्वे करता है, तब हम ये कह पाते हैं कि जो उसके जो लेड है, उसको जो सुनने वाले हैं, वो बहुत तत्पर होकर उसकी बात को सुनते हैं, उसकी बात को समझते हैं। नंबर नेक्स्ट, मोटिवेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है बाई विच द बिहेवियर ऑफ द सबॉर्डिनेट इज मॉडिफाइड एंड चेंज इज इफेक्टिव इन देयर एक्शंस। यानी कम्युनिकेशन हम तब कहेंगे कि जब कम्युनिकेशन में हम ये देखते हैं कि मान लीजिए एक मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट के साथ कुछ कम्युनिकेट किया, तो यदि बिहेवियर ऑफ सबॉर्डिनेट मॉडिफाइड हो गया या चेंज हो गया, इफेक्टिव इन देयर एक्शन, उसके एक्शन में हमें लगा कि भाई जो बात हम उसको समझाना चाह रहे थे वो समझ चुका है, और अब उसके बिहेवियर में चेंजिंग आ गया, जिस तरीके से हम चाह रहे थे उस तरीके से वो काम कर रहा है, तब जाकर हम कहेंगे कि ये कम्युनिकेशन हमारा सक्सेस हुआ। थ्रू कम्युनिकेशन वर्कर्स आर मोटिवेटेड। कम्युनिकेशन के माध्यम से जो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं वो मोटिवेट होते हैं। किस बारे में? टू अचीव द गोल्स ऑफ द एंटरप्राइज। वो उस गोल को, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट होते हैं और पूरी लगन और मेहनत के साथ उस गोल के पाने के लिए पूरा अच्छी तरीके से अपने कार्य को कुशल तरीके से अंजाम देते हैं। और ये भी हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन, अंदर से आता है मोटिवेशन, येट द मैनेजर कैन ऑल्सो मोटिवेट पीपल। इस तरीके से मोटिवेट कर सकता है बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी मान लीजिए हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो दूसरे के अंदर एक मोटिवेशन की भावना आ सकती है,
प्रॉपर ड्राफ्टिंग हम मैसेज की करते हैं, प्रॉपर टाइमिंग हमारा कम्युनिकेशन का है, प्रॉपर वे है हमारा कम्युनिकेशन का। यदि इस तरीके से हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें तो हम सामने वाले के अंदर एक मोटिवेशन ला सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, इंक्रीज मैनेजरियल कैपेसिटी। पहले भी बताया था हमने मैनेजरियल एफिशिएंसी के बारे में, यहाँ ये बात करता है मैनेजरियल कैपेसिटी के बारे में। देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो इंक्रीज करता है मैनेजरियल कैपेसिटी को भी। क्यों? क्योंकि मैनेजर कौन है? मैनेजर इज़ अ ह्यूमन बीइंग, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके भी ऐसा टाइम है कि भी कितने टाइम तक वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। तो ही हैज़ टू असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू हिज सबॉर्डिनेट्स। उसको ड्यूटी असाइन करनी पड़ती है जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं दूसरे, या जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको, और थ्रू कम्युनिकेशन के माध्यम से अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली डेलीगेट हिज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अदर्स। और यदि उसका कम्युनिकेशन पावर अच्छा है, बेस्ट कम्युनिकेशन है उसका, अच्छे कम्युनिकेशन से वो दूसरों को या उसके नीचे जो सबॉर्डिनेट हैं उनके साथ जो है वो अच्छे ढंग से बात कर सकता है, एंड दस इंक्रीज हिज मैनेजरियल कैपेसिटी, और फिर वो मैनेजरियल कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है। नंबर नेक्स्ट, जॉब सेटिस्फैक्शन। फिर हम बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट्स जॉब सेटिस्फैक्शन, क्रिएट्स करता है अपने जॉब के प्रति संतुष्टि होती है अमंग एम्प्लॉयज एज इट इंक्रीज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। यदि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट है, यदि दोनों के बीच में कॉन्फिडेंस है, यदि दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो जो काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स हैं, जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, वो अपने अंदर अपने जॉब को लेकर सिक्योरिटी महसूस करते हैं। द गैप बिटवीन मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज इज रिड्यूस्ड थ्रू द एफिशिएंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब मान लीजिए वर्कर या मैनेजर के बीच में कोई थोड़ा बहुत गैप है, तो इस कम्युनिकेशन के माध्यम से उस गैप को भरा जा सकता है। और जब ये गैप भर जाएगा मैनेजमेंट और उसके वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में, तो दे वर्क विद जील एंड एंथुसियाज्म, वो बड़े उत्साह के साथ अपने कार्य को अंजाम देंगे। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। देखिए, कम्युनिकेशन जो होता है वो आल्सो इजेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन हेल्प्स करता है किस चीज़ में? टू अचीव वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बाय इन्वॉल्विंग वर्कर्स इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। यदि मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में अपने वर्कर का भी पार्टिसिपेशन कराता है, तो उसको हम कहेंगे कि उन्होंने जो कम्युनिकेशन किया वो जो है एक एसेंशियल बन गया उस डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट के लिए। और इन द एब्सेंस ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, यदि पर वहीं ये देखते हैं हम कि यहाँ कम्युनिकेशन की कुछ कमी है, तो देयर कैन नॉट बी एनी डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। तो वहाँ पर कोई भी उनके अंदर सामंजस्य नहीं बैठ पाता, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ना वर्कर्स को जॉब सेटिस्फेक्शन हो पाता है और ना ही वो अपनी बात दूसरों को कह पाते। तो ये हमने देखे, दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। वी एंड दिस टॉपिक चिल हियर, यहीं पर हम इसको टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगले किसी नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आई डॉक्टर राकेश मरोला से बाय टू ऑल। थैंक यू।